जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी में जो कुछ भी हुआ उसने सारी देश को हिलाकर रख दिया। एक हंसता खिलता परिवार ने सुसाइड कर लिया। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों के शव घर के अंदर मिले हैं। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत का एंड अचानक के लोगों का फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? घर का 11 मेंबर, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ने अपना जान खो दिया। इनफैक्ट सुसाइड करने के कुछ दिन पहले 17 जून को प्रियंका की एंगेजमेंट हुई थी। ऐसे खुशी के माहौल में ऐसा क्या हुआ होगा कि लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये सब जानने के लिए ना हमें 11 साल पीछे जाना होगा। फरवरी 2007 जब ललित के फादर गोपाल सिंह का डेथ हुआ। वैसे तो उनका डेथ नेचुरल कॉसेस के कारण हुआ है, पर उनके डेथ ने ना पूरी परिवार की जिंदगी बदल दी। दैट चेंज्ड इट ऑल। उनके फादर की डेथ के बाद ना उन्होंने प्रीस्ट बुलाया था 10 दिन का प्रेयर करने के लिए। और जब सब फैमिली बैठकर पूजा परफॉर्म कर रही थी ना, उनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम ललित है, ही सडनली स्टार्टेड चैंटिंग ओम, जो कि पूरी फैमिली के लिए शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि 2004 को उनका अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था। किसी ने उनको जलाने की कोशिश किया, जिसके चलते उन्होंने अपना आवाज खो दिया था। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स जब उन्होंने कुछ बोला। एंड आउट ऑफ नोवेयर उनके फैमिली ने कहा दादाजी वापस आ गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा रैंडम स्टेटमेंट था। कुछ दिन बाद ना जब ललित की नेबर ने ललित से पूछा कि आपको अपनी आवाज वापस कैसे मिली, ललित ने कहा कि उनके फादर उनके सपने में आया था और उन्होंने ललित को पूजा परफॉर्म करने को कहा। एंड कहा जाता है कि तब से रोज रात के 9 बजे को दे वुड सिट एंड प्रे फॉर 15-30 मिनट्स। एंड उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया। एंड जून 30 की रात को भी उन लोगों ने आखिरी बार पूजा परफॉर्म किया। एंड उस घर के बच्चे भी ना अपने नेबर से कहता था कि दादा के आने का टाइम हो गया है। जो आई डोंट नो लोगों ने इतना लाइटली क्यों लिया होगा। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था किसी के लिए भी। एंड भोपाल जी के जाने के बाद ना उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल तक बदल दिया था। नॉनवेज खाने से लेकर ड्रिंक करने तक उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था। एंड वो लोग ना बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बन गई थी। एंड इन सब के बाद ना उनके फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार आ गया था। उन लोगों ने अपना घर रेनोवेट कर दिया था, दुकान अपग्रेड कर दिया। अब उनके पास 3 शॉप थे। एंड ललित की नेस जिसका नाम प्रियंका है, उसके एंगेजमेंट में भी ना उन लोगों ने 3-4 लाख तक स्पेंड किया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उनकी फैमिली में। किसी को भी नहीं लगा था कि वो लोग इतना बड़ा कदम उठाने वाला है। एंड प्रियंका ने भी ना अपने एंगेजमेंट में किसी को भी नहीं बुलाया था। उसके कॉलेग्स में से किसी को भी नहीं पता था उसके एंगेजमेंट के बारे में, एक्सेप्ट फॉर 1 पर्सन जिसे भी इन्वाइट नहीं किया था। And she also requested her neighbor not to post anything on social media about her engagement. और अगर किया भी है ना, तो प्रियंका को mention या tag ना करे। ये बहुत ही ज़्यादा weird था। Or maybe it's normal. Maybe she did not want her friends and colleagues to know about it yet. क्यों? ये तो सिर्फ प्रियंका ही पता था। And also प्रियंका ना बहुत ही ज़्यादा smart लड़की थी। उसने ना बहुत ही ज़्यादा awards इनफैक्ट उसके घर में ना ऑलमोस्ट सभी हाईली एजुकेटेड था। उनके बच्चे भी ना पढ़ा लिखा में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, दे वर वेरी ब्राइट। पर सब ना ललित के कंट्रोल में था। कहा जाता है कि ललित वाज पजेस्ड, ललित के फादर का आत्मा ललित के अंदर आता था, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता था, बताता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। उन लोगों के घर में से 11 डायरी पाया गया। जस्ट इमेजिन 11 डायरी, 11 साल, 11 मेंबर, 11 पाइप और 11 लेटर्स। इनमें से कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन पाइप कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। उनके घर में ना जो पाइप लगाया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। उनके घर में 4 मेल था और 4 पाइप सीधा लगाया हुआ था, और 7 फीमेल थी और 7 पाइप नीचे की तरफ झुकी हुई, टोटल 11 पाइप। और उनकी सुसाइड करने का तरीका भी ना सेम उस पाइप की तरह था। वही सेम पोजीशन में उन लोगों ने खुद को हैंग किया। इनिशियली सबको लग रहा था कि ये एक मर्डर है,
क्योंकि उनकी हाथ पीछे की तरफ बांधी हुई थी। उनका पाँव बांधा हुआ था, मुंह में टेप और कान को कॉटन से बंद कर दिया। बट फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक रिचुअल मास सुसाइड है। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, उन लोगों ने ये मरने के इंटेंशन से नहीं किया। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आई डोंट नो, इतने पढ़े लिखे लोगों से इतनी बड़ी बेवकूफ से कैसा हो गया। ललित ने ना अपनी लाइफ में बहुत सहा था। उनकी हेल्थ की वजह से उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा। एक बाइक एक्सीडेंट और एक अटेम्प्ट मर्डर, जिसके कारण वो बहुत सालों तक नहीं बोल पाया। और फिर उनके फादर का डेथ। ललित अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज था, शायद इसलिए वो ट्रॉमा में चला गया था। और उनके फैमिली ने ना उनको इनकरेज किया। ऑल ही नीडेड वाज अ साइकोलॉजिस्ट, दैट्स ऑल। लेकिन किसी ने उन्हें नहीं समझा, नहीं समझने की कोशिश करा और ब्लाइंडली उनके अंधविश्वास का हिस्सा बनता गया। एक खुशहाल परिवार उजल गया था। अगर उन लोगों ने ललित को इनकरेज नहीं किया होता, वो आज सब जिंदा होते। एनीवेज, दैट इज इट।